केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। केरल के कन्नूर में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापस जा रहे संघ के स्वयंसेवक जिम्नेश और अन्य स्वयंसेवकों को सत्ताधारी सीपीआईएम के गुंडों के गिरोह ने बेरहमी से पिटाई की। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए स्वयंसेवकों में ए आदर्श, पीवी जिष्णु, टी अक्षय, केपी आदर्श शामिल हैं। घायल स्वयंसेवकों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल जिम्नेश ने 25 जुलाई को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले पिनाराई गांव में हमले में घायल हुए टी अक्षय के घर पर स्थानीय माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उन्होंने गुरु दक्षिणा उत्सव के लिए तैयार किए गए झंडों और अन्य सजावटों को नष्ट कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब संघ स्वयंसेवकों की सत्ताधारी सीपीआईएम के गुंडों ने साजिश के तहत हत्या की हो। 16 अप्रैल 2022 पीएफआई एसडीपीआई के जिहादियों ने पलक्कड़ में संघ के पूर्व शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्रीनिवासन की तलवार से 20 बार वार करके हत्या कर दी थी। 15 नवंबर 2021 पीएफआई एसडीपीआई के जिहादियों ने दिन दहाड़े पलक्कड़ में संघ के मंडल बौद्धिक प्रमुख संजीत की उनकी पत्नी के सामने 50 से ज्यादा बार चाकू से वार कर हत्या कर दी। 24 फरवरी 2021 केरल के अलप्पुझा में संघ शाखा के मुख्य शिक्षक नंदू राहुल कृष्णा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे भी एसडीपीआई पीएफआई के कट्टरपंथियों का हाथ था। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास ही रक्त रंजित रहा है। ये आंकड़े केवल चंद घटनाओं के हैं। ऐसे कितने स्वयंसेवक सीपीआईएम के शातिर अपराधियों और विजयन सरकार के गुंडों के शिकार हुए हैं। सत्ता की शह पर संघ स्वयंसेवकों की हत्याएं कब बंद होंगी? इन हत्याओं पर कब तक मौन रहेगी विजयन सरकार? गुनहगार कब होंगे सलाखों के पीछे? स्वयंसेवकों की हत्याओं पर कथित बुद्धिजीवी चुप क्यों रहते हैं?